से निकलेगा और न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियस में एंटर होगा। वहां एंटर होके इट कॉज हिट करेगा जेनेटिकल मटेरियल को। जेनेटिकल मटेरियल क्रोमेटिन है, उसमें क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए है। तो एक्चुअली इसने हिट किया जब क्रोमेटिन को, तो क्रोमेटिन में जो डीएनए था, जिस एरिया से हिट किया उस एरिया में जो डीएनए मौजूद था उसके दोनों डुप्लेक्स डैमेज हो गए। डैमेज हुए तो डीएनए के दो पार्ट सेपरेट हो सकते हैं, सेपरेट हो गए तो फंक्शन ही चेंज हो गया। एमआरएनए क्या लेके जाएगा, क्या बनाएगा, मसला गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। सेल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, सेल के पास ऐसे कोई एंजाइम ही नहीं है जो इसको क्या कर दे, दोबारा से रिपेयर कर दे। तो द एंजाइम ऑफ सेल कैन नॉट रिपेयर इट, ये फिर दोबारा रिपेयर नहीं होता, ये प्रिस्टेंट चेंज होता है, हमेशा का चेंज होता है, क्योंकि ब्रेक हो गया ना फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ डीएनए, डीएनए का फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो गया, खत्म हो गया। ये था आपके पास यानी कि आयोनाइजेशन रेडिएशन किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद अब है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी नुकसानदेह है, हार्मफुल है, लेकिन एक्सरेस के मुकाबले में कम है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये क्या है, आर द पार्ट ऑफ सनलाइट से आ रही है, सन से बचना चाहिए, दोपहर की धूप से बचना चाहिए, ये भी म्यूटेशन कॉज करता है। धूप अच्छी है अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock या अमृत का टाइम, अमृत समझते हैं ना, नॉन मुस्लिम एक अमृत के टाइम उठते हैं और इबादत करते हैं ना, यानी कि अमृत कहते हैं सूरज निकलने से पहले, ठीक है ना, वो टाइम अमृत का कहलाता है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो सनलाइट निकलती है ना, सनलाइट हल्की हल्की रोशनी आती है, वो लाइट रहना अच्छी है 7-8 बजे तक की ना, बहुत दे चले 9 बजे तक की, उसके बाद फिर वो रेडिएशन आने लगती है उस लाइट के अंदर, ठीक है। देखिए रेडिएशन आने लगती है, और जब रेडिएशन आती है क्योंकि ओजोन लेयर तो डिप्लेक्ट हो गई है, पहले ओजोन लेयर थी वो इन रेडिएशन को नहीं आने देती थी, ओजोन लेयर के डिप्लेक्शन की वजह से अभी अर्थ पे आने लगी है, जिनकी वजह से म्यूटेशन कॉज हो जाती है। आर द आपके पास क्या है, पार्ट ऑफ सनलाइट, पार्ट ऑफ सनलाइट, ठीक है, विच कॉज सनबर्न। तो भाई रेडिएशन से बचें आप, हजाब करें, हजाब लगाएं, रेडिएशन ही नहीं पड़ेंगी। दीज रेस कंटेन लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एक्स रेस, एक्सरेस के मुकाबले में कम एनर्जी है। दे डू नॉट प्रोड्यूस, ये नहीं प्रोड्यूस करती कोई फ्री रेडिकल शेडिकल, दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। तो इन सम ऑर्गेनिज्म द रिंग कंटेनिंग कंपाउंड, अब मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था आपको, रिंग कंटेनिंग कंपाउंड, उसमें रिंग बताए थे मैंने आपको, कंटेनिंग कंपाउंड एब्सॉर्ब दीज रेस, इन रेस को क्या कर लेते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं एंड कॉज डैमेज द डीएनए, डैमेज द डीएनए, ठीक है। रिंग कंटेनिंग कंपाउंड मतलब डबल रिंग कंटेनिंग कंपाउंड कौन कौन से थे, वो किस में थे आपके पास, वो दो ही थे आपके पास, याद है आपको, यूकैरियोटिक रिपेयर कर सकता है वो, मैं बताता हूँ कैसे, भाई ये टोपी ड्रामा है, नहीं होती रिपेयर, मैं बताता हूँ आपको कैसे, रुके ये पॉइंट में कंप्लीट करूँ ना, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे ये, रुके जरा आप, ये टोपी ड्रामा इन्होंने किया है कि रिपेयर कर लेगा, एडनाइन एंड गियोनाइन आपके पास, एडनाइन एंड गियोनाइन, या फिर आप क्या लें पायरामाइडाइन, पायरामाइडाइन जो है इज अ बिग एब्जॉर्बर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन,
ये जो रिंग कंटेनिंग कंपाउंड है एडेनाइन ग्यूनाइन थायमाइन साइटोसिन, वैसे तो प्यूरीन पैरामिडाइन दोनों ही करती है ना, लेकिन बिग एब्जॉर्बर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर द पैरामिडाइन। पैरामिडाइन एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके एब्जॉर्ब करने की वजह से बॉन्ड टूट जाता है, बॉन्ड टूट गया डीएनए का, वहीं से डीएनए क्या होता है ओपन हो जाता है, खुल जाता है, डीएनए का डुप्लेक्स डैमेज हो जाता है, वहाँ जो मैसेज होता है वो खराब हो जाता है, उसमें ऑल्ट्रेशन हो जाती है, एमआरएनए रॉन्ग मैसेज लेके जाएगा, मसला बन जाएगा, ठीक है, तो पर्टिकुलर फंक्शन नहीं प्रोसीड होते।